बिहार की कानून व्यवस्था पर इन दिनों लगातार सवाल उठने लगे हैं, लेकिन पटना पुलिस ने इस पर लगाम लगाने की एक अलग पहल की है। राजधानी की तंग गलियों में चोरी की वारदातों को थामने के लिए पटना के एसएसपी मनु महाराज ने साइकिल सवार पुलिसकर्मियों की नई टीम तैयार की है। 30 जवानों की इस टीम की साइकिल में डंडा, टॉर्च और सायरन लगा हुआ है। एसएसपी का कहना है कि जिन गलियों में क्विक मोबाइल की टीम नहीं जा सकती, वहां साइकिल वाले पुलिसकर्मी आसानी से पहुंच सकते हैं। एसएसपी ने दावा भी किया है कि जल्द ही इस टीम को हाईटेक किया जाएगा। रात्रि गश्ती के लिए बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए, जो रात में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं गली गली में, साइकिल पेट्रोलिंग की व्यवस्था शुरू की है, जो चोरी की घटनाओं को रोक सके, हमारे जो जवान हैं वो अलर्ट रह के गली गली में घूम सकें और लोगों को प्रोटेक्शन दे सकें। इसमें शुरू में 5 थाना में इसको दिया जा रहा है और लगातार जितने भी थानों में चोरी होगी हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीती रात एसएसपी मनु महाराज ने एक बैठक भी की, जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी सहित सभी थानों के थानेदार शामिल हुए। बैठक के बाद एसएसपी ने अलग अलग टीमों को छापेमारी के लिए भेजा। इस दौरान हर संदिग्ध की जांच भी की गई। इसके साथ ही साइकिल पेट्रोलिंग की भी पड़ताल हुई। जांच के दौरान एसएसपी ने बुद्धा कॉलोनी सहित 3 थाना प्रभारियों को काम में सुस्ती को लेकर फटकार भी लगाई। सीबीएसई आज 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। परिणाम शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। छात्र वेबसाइट पर अपना ईमेल आईडी पंजीकृत कर परीक्षा परिणाम पा सकते हैं। इस बार सीबीएसई की परीक्षा में 15 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। पटना जोन से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में कुल 1,50,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। साल 2015 में सीबीएसई 10वीं में 98.87% स्टूडेंट्स सफल हुए थे।